हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी हियर। वेलकम टू एनयूज म्यूजिक स्टार्स थ्योरी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि आप सब ने हम दोनों सिस्टर्स को इतना प्यार दिया है, हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी पहचान बन रही है। और सभी स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा मटेरियल, हमारी थ्योरी, हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो इतने पसंद आ रहे हैं कि मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि हम कितने खुश हैं आज। और हमारा जो एम वो है कि आप तक अच्छा मटेरियल हमें देना था, तो उसी पर हम काम कर रहे हैं और अच्छे नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम मैं आपके सामने ऐसे लाइव आई हूँ, तो उसका आने का रीज़न ये है कि सबसे पहले आप सबको थैंक यू मुझे बोलना था, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज जो हम हैं वो आप सबकी वजह से हैं। और सेकंड थिंग ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको राग में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं राग बेस्ड। तो राग एक ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा डीपली जाने की ज़रूरत है। आप इतना डीपली ना जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं राग से ज़रूरी, वो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक नई पहल करने वाले हैं, एक नई पहल की शुरुआत करने वाले हैं। हम दोनों सिस्टर ने कुछ सोच रखा है जो कि आप सबके लिए बहुत यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन उसके लिए मैंने एक ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करेंगे और आपकी राग से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो सब हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कीजिए ताकि मुझे बताइए कि कितने बच्चे हैं जो राग से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे और राग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच अगेन, हम आपके बहुत आभारी हैं। बिजली सी चमकी हाय, ऐसी में मन मोहे, गरबा लगाने नैनों में बदरा छाए। नमस्कार, अभी जो मैंने आपके सामने गाना परफॉर्म किया वो था भीम पलासी राग से। जैसा कि आप जानते हैं, भीम पलासी राग जो है वो काफ़ी थाट से बिलोंग करता है और काफ़ी थाट में ग और नी कोमल लगते हैं, ठीक है। और भीम पलासी राग के बारे में हम और जानें तो इसके आरोह में रे और ध वर्जित रहते हैं, और जब हम अवरोह इसका प्रेजेंट करते हैं तो हमें सारे स्वरों का यूज़ करना होता है, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। नी सा